जिला सिरमौर के गिरिपार हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर केंद्रीय हाटी समिति ने गिरिपार में सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है, तो वहीं जनजातीय दर्जे से अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की बात कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समिति ने भी गिरिपार में 500 किलोमीटर सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का बुधवार को ऐलान किया है। उन्होंने यात्रा के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे करने का भी दावा किया है। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों के बहिष्कार की भी बात कही है। हम मीडिया के माध्यम से गिरिपार के 154 पंचायत के आम लोगों को सूचित करना चाहते हैं और उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि 9 अक्टूबर से मान्यवर साहब काशीराम की पुण्यतिथि है, जिससे जो लोग सड़कों पे उतरे थे अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जो लाखों लोगों ने एक उम्मीद जताई थी, उस उम्मीद पे को लगभग हमने पूरा करने की भी कोशिश की समिति के माध्यम से। और लोग जो सड़कों पे उतरे थे उनका धन्यवाद करने हर पंचायत अपनी जो समिति ये पहुँचेगी, और साथ में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा किस तरीके से आने वाले भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने और जो राज्य यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उन्होंने जो ये एक जो निर्णय लिया था उसको आम लोगों के सामने नहीं रखा है। लोग अभी भी सोच में पड़े हुए हैं और लोगों को शंका है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उस निर्णय को आम लोगों के सामने क्यों नहीं रखा गया और लोगों को अपने हक व अधिकारों के खोने की और खतरे में डालने की ऐसी उम्मीद है। चुनाव में बहिष्कार का कोई, चुनाव में अभी किसी प्रकार का बहिष्कार का निर्णय समिति नहीं लेगी। आम लोगों के बीच जा करके समिति लोगों से राय लेगी, जो भी आम लोगों की राय होगी वो ही समिति का निर्णय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।